What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile की प्यारी सी तो केड़ी की 15 केड़ी की कोई भी केड़ी की बोल दो, आज हम निकाल रहे हैं PUBG के अंदर जो आया है न्यू लेटेस्ट आर्कटिक स्किन सेक्सी तरीके से बोले तो। एंड बाय द वे ये बहुत महंगा था, मेरी जेब को भी थोड़ा महंगा सा लगा, बट कोई ना, तुम्हारे भाई ने खरीद लिया। एंड ये रहा इसका स्पिन। एंड कैप गैंग थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हम लोगों ने फाइनली आज जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसके अंदर हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। यार क्या बताऊँ आप लोगों से, ज़्यादा खतरनाक प्यारा कोई है ही नहीं दुनिया में। मेरी तरफ से खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि तुम लोगों की मेहनत है भाई। तुम लोग दिन में 20 मिनट निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, तुम सब लोग मेरे दिल के टुकड़ा हो। तो फिर हम इसके बाद जाते हैं फिल्मोरा पे। वेलकम टू फिल्मोरा 9। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आप ढूंढ रहे हो एक सॉल्यूशन आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए, तो फिल्मोरा 9 से अच्छा आपको ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो एडिटर है जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए अगर आप न्यू हो फील्ड में। फिल्मोरा 9 को यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है एंड बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट होता है आपके पीसी में। फिल्मोरा 9 यहाँ तक कि आपके पीसी तक को रिकॉर्ड कर सकता है। जी हाँ, मतलब आपको अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं चाहिए। एंड उसी के साथ आप उसे ऑन द स्पॉट एडिट भी कर सकते हो फिल्मोरा 9 के एडिटर सॉफ्टवेयर में। जैसे कि उसको ट्रिम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद 100 से भी ज्यादा फ्री के प्रीसेट्स इसके अंदर तुमको मिलते हैं जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट फिल्मोरा 9 तो मेरे को यही लगती है, इसके अंदर इतने सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, इतने सारे टेक्स्ट के इफेक्ट्स मिल जाते हैं कि जो कि और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे आपको। एंड अगर आपको और ऑडियो इमेजेस एंड फुटेज चाहिए तो भाई फिल्मोरा 9 की जो ऑनलाइन स्टॉक लाइब्रेरी है फिल्म स्टॉक्स, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ईजिली। एंड फिल्मोरा 9 का भी क्रिसमस वीडियो कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिसमें आप अपनी वीडियो बना सकते हो और आपको मिल सकता है iPhone 11। जी हाँ, तो फिल्मोरा 9 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के डाउनलोड करो फिल्मोरा 9। एंड भाई करो एडिटिंग, बैठ कर बनो बड़े बड़े यूट्यूबर भाई साहब। हाँ पता है मैंने एकदम से प्रमोशन फेंक दिया, बट नेवर माइंड, आ गए हम अपने ब्रांड न्यू आर्कटिक सेट के साथ जॉर्जो पूल में। मेरा गला थोड़ा बैठ गया थोड़ा सा यू नो, क्योंकि भाई मैंने ये 2 घंटे लगभग, 2 घंटे नहीं, 1 hour 45 minutes तक की तो लाइक लाइव स्ट्रीम करी थी 1 मिलियन की, तो लाइक उसमें नॉन स्टॉप बोला हूँ मैं, तो उसके वजह से मेरे गले के भैया बैंड बजे हुए हैं। बट कोई ना, बड़े बड़े एरेंगल में ऐसी छोटी छोटी शैनक वाली बातें होती रहती है कैप गैंग। एंड उतरती मेरे को मिली SLR। एंड सही बताऊँ तो यार जो आर्किटेक्ट स्किन है ना भाई साहब, क्या लग रहा है भाई, लग रही है भाई, कुछ गलत मत सोच लेना। नहीं तुम आते जाते इसको देख के मत कुछ उल्टा सीधा सपने बना लेना, ठीक है भाई, समझ लो पबजी है ये। Excellent work. Enemies ahead. Enemy spotted. For real this time. एंड तुम सब सिंगल लड़के तो कृपया करके ये सेट ना खरीदें। नहीं प्लीज़ छोड़ दो पबजी को, प्लीज़ छोड़ दो। एंड बाय द वे मेरे को पीछे ना ये ऑर्नामेंट मिला जो मेरे को पता ही नहीं था पबजी में एग्जिस्ट भी करते हैं, मजाक से हट के। वो तो आज मेरे को पता चला कि भाई ये भी कोई सीन है बैग के पीछे लगाने का। पबजी भी लाइक कहीं से कहीं तो निकालनी है ना यू सी, अब तो इन्होंने ये ऑर्नामेंट नाम की चीज़ निकाल दी जो कि बहुत ही वेयर्ड है। बट चलो कोई ना, बड़े बड़े एंगल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है क्या गैंग। तो हमारे पास अभी DP है, DP के साथ है हमारे पास SLR। एंड सामने बंदे हैं, सही बताऊँ तो यार ये विंटर मोड के साथ कितना खतरनाक लग रहा है ना आर्कटिक से। एंड स्पेशली मेरे को ना M16 की ग्लेशियर स्किन भी मैंने निकाल ली, वो ग्लेशियर स्किन क्या लग रही है। अच्छा बाय द वे कैप गैंग, अब जब हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर ही लिए हैं तो हमारा नेक्स्ट सब्सक्राइबर गोल क्या होना चाहिए। देखो हम लोगों ने 3 साल लगे मेरे को 0 से 1 मिलियन आने में, एंड मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप लोगों ने कतई लाइफ चेंज कर दी है तुम्हारे भाई की, सो थैंक यू सो मच, लाइक दिल से वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो कितने का होना चाहिए। नीचे एक कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि हमारा जो नेक्स्ट सब्सक्राइबर गोल होना चाहिए वो कितने सब्सक्राइबर्स का होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा भाई एक्साइटेड है। देखो मैं तो ऐसे लड़कों में से हूँ जो कतई, मतलब समझ रहे हो, मैं बड़ा सा गोल बना लेता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी जो नेक्स्ट गोल होना चाहिए
वो होना चाहिए 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का कैप गेम। क्या बोलती पब्लिक, मेरे को पता नहीं, आप लोग बताओ नीचे आकर के, वही रख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 2 मिलियन का सही रहेगा, लाइक डबल डबल करके हम पहुंच जाएंगे ऐसे 10 मिलियन पे। बट जो बात है, इसमें कुछ खास लग चुकी है, आगे फटके हो चुके चार है, क्या एक भी सबसे प्यारी है। तो अब क्या हुआ, हमने जॉर्ज पुल तो पूरा ख़त्म कर दिया हमको लग रहा था, एंड जैसे ही हम यहाँ से निकले ना, अरे भाई ये कैंपर पता नहीं कहाँ से आ गए एकदम। ओ भैया, अरे हेलो ताऊ, नहीं ये मजाक हो रही है कि जब मन कर उठ के आ गए भाई। हाँ अरे हम भी तो हैं, हमको मार दो। अजीब नोबड़ा भाई, ऊपर से यार किल चोरी कर लिया इस दो कीड़े के सिंचैन ने। ये नकली भाड़े का सिंचैन हम उठा करके लाए हैं भाई। ये इसको बस आवाज़ निकालनी आती है सिंचैन के नाम पे। तो फिर हमने जल्दी से ये स्क्वाड भी मारी। अब एक्चुअली पता नहीं यार ये कहाँ से भागे आ रहे थे, बॉट टाइप नहीं कते बॉट वाले बंदे थे, तो लाइक पता नहीं क्यों कहाँ से आ रहे हैं। बट कैप गैंग तुम वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कॉज हम जॉर्ज पुल से निकले थे, इतने में जॉर्ज पुल में और बंदे आ गए, तो हम लोग भी वापस आ गए। फिर एंड भाई साहब इसी के साथ ये बंदे भी साफ ही पता नहीं कहां से आ रहे हैं भाई, एक एक करके नुबड़े। नहीं कभी तुम भाई जॉर्ज पुल में उतर जाओ ना। नहीं ये लोग बताऊं क्या है, ये है कटे घनझेड़े नशे वाले लोग, ये जॉर्ज पुल के ना कोने कोने में उतरते हैं एंड लूट करके जॉर्ज पुल के बंदों को मारते हैं। मैं समझ गया ये निंजा टेक्निक ना मैंने भी कर रखी है, लाइक आई एम यूज टू दिस। तो बट चलो कैब गैंग कोई ना, होता रहता है ये, तो अब हम बच गए जिंदा यहाँ से वो अलग बात है। तो भाई हम लोग फिर निकल लिए जॉर्ज पुल से। वैसे देखा जाए तो यार ये बैग के साथ एकदम खतरनाक, लाइक ये मैचिंग बड़ा अच्छा कर रहा है, ऐसा ही बताओ तो, नहीं मैच अच्छा कर रहा है जो बात है। अब मैंने ना वैम्पायर को इधर ही छोड़ दिया गुस्से में। अब सीन क्या था कि मैं से इतनी देर से बुला रहा था भाई आजा, नहीं भाई आजा, भाई आजा आज का दिन में आजा, प्लेस बैठ जा गाड़ी में, प्लेस भैया प्लेस बैठ जाओ, बट वो लूटे जा रहा है। नहीं बंदे को लूटने की इतनी भूख है, वो लूटे जा रहा। मैंने कहा ओके बाय, नहीं नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं, आप लूटने के लिए कितना कमाते हैं, राइमिंग बैठे नहीं, बट तभी मैंने बोल दी, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट होकर निकल लिया। अब ये सीट क्यों दिख रही है भाई नीचे, ये क्या हुआ, नेवर माइंड। तो भाई हम फिर निकल लिए जॉर्ज पुल से, अब जा रहे हैं हम रोजॉक की तरफ, एंड फिर वहाँ से हम आ गए कहीं भी नहीं, वैसे हम यहाँ से ना पोचिंग की जा रहे हैं अब एक्चुअली। तो यहाँ से जाते जाते ना रास्ते में हमको मुसाफिर मिले, तो हमने भी इनको हाय हेलो कर दिया, हमने कहा बेटा कैसे हो, उन्होंने कहा सेक्सी अंकल सेक्सी। हालांकि M762 है तो बेवफा गन, जाए कुछ बोलो, बट अब जब दूर मार देती है ना, लाइक कभी कभार बहुत दूर मार देती है, तो फिर ना लाइक जिंदगी के मजे आ जाते हैं। एक्चुअली वहाँ से ट्रॉली जा रही हूँ, पर मैंने नोटिस भी नहीं किया। वाओ वो तो मैं भी कमेंट्री करते हुए देख रहा हूँ, वो वहाँ से ट्रॉली जा रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो, अरे मारो मुझे, अरे मजाक हो रही है ये। फिर मैं पोचिंग की चला गया, मेरे को समझ ही नहीं आया, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ से ट्रॉली जा रही है, वो तो मैंने अभी देखी भाई, अजीब ही सीन है पबजी का भी। अरे भाई क्या करें भाई, ये गुटका ढारे नागन ना आजकल भाई कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं, गुटका ढारे नागन हैज इवॉल्व्ड यू नो, दे आर वे मोर जहरीला डेंजरस एंड सपेरा टाइप। तो हम यहाँ से जा रहे थे तो हमको बहुत गोलियाँ पड़ी, लाइक चारों तरफ से गोलियाँ पड़ी, तो मैंने कहा ठीक है हम रुक गए। मैंने कहा ओके भाई ओके, तुम रोकना चाह रहे हो ओके, मैं रुक गया, अब बोलो फाड़ दो पूछ मेरी, मैं तो रुक गया। तो फिर क्या हुआ, मैं डायरेक्ट जल्दी से ऊपर ब्लू बिल्डिंग पे भागा, एंड मैं इधर देखने लगा कि बंदे हैं किधर। तो अब तो मे बी डीपी और M762 है, जो कि अच्छा कॉम्बो है, हालांकि M762 बेवफा है जस्ट लाइक योर एक्स। हाँ बस मत भरोसा करना इस पे, भरोसा मत करना, नहीं एक बारी को ना तुम UMP पे भरोसा कर लेना, बट नॉट ऑन M762 भाई मेरे, प्लीज ये कब धोखा दे जाएगी ना ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, कॉज इट्स लाइक योर एक्स बेवफा धोखेबाज। तो अभी हम पूरा का पूरा राइट से फ्लैंक मार रहे हैं पोचिंगी के अंदर, एंड मैंने डिसाइड किया कि हम बड़ा फ्लैंक मारेंगे, क्यों ना। तो
तो हम लोगों ने पूरा गाड़ी लेके ही राइट से फ्लैंक कर दिया ना, एंड इसका मेरे को क्या ही फ़ायदा मिला है भाई साहब, मैं राइट से जो एंगल बनाया इन पे, फिर तो भाई तुम्हारे भाई ने बस बजाया ही बजाया, को सामने भी बंदे, हर जगह बंदे, लाइक बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे, मचा आ गया जिंदगी का। वैसे ग्रेनेड की स्किन भी भैया बहुत ही मजेदार लग रही है, क्या भी अगर तुम्हें ये जो आर्कटिक स्किन है ये पसंद आई एंड तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई और भी ओपनिंग करे ऐसे, तो नीचे अगर के भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई देखिए जो बात है इसमें कुछ खास है, वीडियो लाइक करोगे तो सस्ते में लाइक करना, क्योंकि गेम प्ले भी महंगा हो जाएगा अपने आप ही, तो नीचे और ढेर सारे लाइक कर दो, 1 मिलियन की खुशी में लाइक कर दो, या फिर वीडियो की खुशी में लाइक कर दो, या फिर स्किन की खुशी में लाइक कर दो, लाइक कर दो लाइक, मेरे को नहीं पता, बस लाइक हो जाना चाहिए, एंड सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही है करना जरूरी है। तो अब क्या सीन था कि मैं यहाँ पे अब चढ़ के दिखा रहा हूँ, एक बार तुक्के में चढ़ गया तो अगली बार चढ़ने में आफत आ गई भाई, आई वॉज लाइक भाई ये कैसे हो सकता है, पहली बार चढ़ा अगली बार नहीं चढ़ा, पता नहीं भाई पबजी के नशे भाई कौन नहीं भाई नहीं कर सकते तुम कुछ भी नहीं कर सकते, दिस इज लाइफ नाउ। तो उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई, तुम देख लो चढ़ पड़ लो, वहाँ से चढ़ सकते हो तो मैं तो चढ़ के देख चुका हूँ। फिर हम आ गए अपार्टमेंट्स में, एंड अपार्टमेंट्स में मैंने एक ऐसी चीज़ देखी ना आज भाई साहब, इसको कहते हैं असली प्रो, ये बंदों में जो दिमाग था ना 15 KD का भाई साहब, इनको पता था कि भाई हम घुस चुके हैं ठीक है, तो इन लोगों ने लगाया दिमाग, इन्होंने क्या करा, अंडे होते हैं ना अंडे, वो जो बर्फ़ वाले अंडे होते हैं फ्रेंजी एग, इन्होंने ना रास्ते में वो लगा दिए, मैं कह रहा हूँ वाओ टैलेंट, टैलेंट हो तो ऐसा हो वरना ना हो भाई साहेब, लड़कों में कितना टैलेंट है, हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया, मगर इन नोबड़ों को ये नहीं पता ना कि भाई रास्ता ब्लॉक करने से ग्रेनेड आने नहीं रुकते, बेचारे ग्रेनेड में फट गए दोनों, इश बुरा लगा, नहीं बंदों के लिए बुरा लग रहा है, बेचारे यहाँ पे TPP ले रहे थे कट गया इनका। एंड बाय द वे मैंने फिर यहाँ पे M16 की स्किन भी उठा ली थी जो कि ग्लेशियर वाली है या फिर आर्कटिक स्किन है, मेरे को पता नहीं कौन सी वाली, बट जो भी है दिखती है तो ऐसे ग्लेशियर जैसी है, ये ग्लेशियर ही है शायद से, नहीं ग्लेशियर ही है, वैसे मेरे पास अब M4 की ग्लेशियर नहीं है, बाकी AKM और M16 की तो आ गई है, एंड भाई ये दिखती कितनी गजब की है, ओ भाई मारो मुझे मारो, क्या क्या गन दिख रही है माय साहब। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ पर से एक बाइक गई है तो उसका पीछा करते, क्योंकि भाई नाम बनते हैं इश्क से, सॉरी रिस्क से, एंड सी बनते हैं इश्क से, नेवरमाइंड, तो वो तो चलो चलता रहता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें। तो हम फोर आए जल्दी से इधर, हमारी गाड़ी का टायर फोड़ दिया भाई लड़कों ने, अजीब बात, एंड इसी के साथ ये बंदे भी पूरे के पूरे साफ, मतलब हम लोग कतई ना नॉन स्टॉप मारे जा रहे हैं। एंड इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी गाड़ी थी इसके भाई चीथड़े तोड़ा ही दिए थे इन्होंने, हम गए जल्दी से लूटने नीचे, क्योंकि भाई देखो किल की भूख एंड केड़ी का लालच किसको अंधा नहीं करता, देखिए लाइक मारा है तो लूटना तो बनता ही है ना, तो इतनी सारी लूट M16 की एमओ M7 की एमओ, मैं तो भाई बाग बाग हो गया था, मैंने कहा अरे वाओ वाओ लूटी लूट इतनी सारी लूट, अरे वाओ, और M16 का सामान, M416 का सामान, ओह मैंने थोड़ा कुछ गलत फील सी ले ली, ज़्यादा ही थोड़ी सी, वो माय बैड, वो होता रहता है। तो उसके बाद मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैंने कहा छोड़ो पेट्रोल का वैसे पैसा नहीं है मेरे पे, सारे आर्किटेक्ट स्किन में फूंक दिए मैंने, तो चलते हैं मुड़ते हुए अब यहाँ से स्टंट मारते हुए अपनी स्की में, तो तुम्हारा भाई निकल लिया स्की में अपनी बंदे को ढूंढने। वैसे देखा जाए ना स्की करने का भी ना अलग ही मजा है भाई, स्वैग जो आता है ना, काश यार ये स्की करते हुए ना गोली चलाने देते, फिर तो भाई जो मजा आता स्की करते हुए गोली मारने का, अरे 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 भाई पबजी वालो नहीं प्लीज़, पबजी वालो प्लीज़ ना यार, दे दो
स्की के लिए सामान तो दे ही रहे हो तो गन भी दे दो चलाने के लिए, क्योंकि भाई मजा बहुत आता है स्की करने में ना, स्पेशली जब हाथ में गन हो तो सोचो M249 मार रहे हो चलाते हुए, ओ भाई साहब मजा आ जाएगा जिंदगी का। बट फिर यहाँ पे हुई M16 के साथ लड़ाई, बहुत ही खतरनाक मजेदार अपरंपार लड़ाई। Enemies ahead. Render hard, watch out. Enemies ahead. Manish Bhadwa, nahi baate ba. Enemy spotted. For real this time. इन बिचारों को तो सबको ग्रेनेड से फोड़ दिया मैंने, पता है ये बंदे जहां भी बचने के लिए जा सकते थे ना, मैंने हर जगह एक ग्रेनेड फेंक दिया। मैंने कहा ले यहाँ जाएगा यहाँ भी फूटेगा, यहाँ जाएगा यहाँ भी फूटेगा, यहाँ जाएगा यहाँ भी फूटेगा, एंड ये तीनों पता अलग अलग ग्रेनेड से फूटे, मतलब इनकी भागने की जगह ही नहीं छोड़ी ना मैंने। तो अगर आपको कभी किसी स्क्वाड हाउस में पुश कर दें तो उसके सारी जगहों पर ग्रेनेड फेंक दूँ, एक आधी जगह पर पुश करो, मतलब एक आधी जगह फोड़ के पुश मत करो, दो तीन कमरे जितने भी है ना सब में फोड़ दो भाई, उठा करके ग्रेनेड उठाओ, फोड़े जाओ अच्छे से फोड़ा पकड़ करके नो ब्लॉक को, क्योंकि बात है इसमें कुछ खास लग चुकी है, आगे फटके हो चुके चार है, मजा आ गया भाई मेरे को तो, जब वो नॉन स्टॉप ग्रेनेड से फटते रहे। वैसे स्की करने में कितना मजा आता है नहीं यार। तो हम यहाँ से जा रहे थे भाई, अरे मैक्सन हमको मिला है गुटका धारी नागन, इसका नाम था जुदाई, चू नहीं जू, इस लड़का जो हमारा है ये जुदाई नाम का भाई। मेरे बात सुन, हम जानते हैं आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है, यू मस्ट बी इन पेन, आपके सीने में दर्द हो रहा होगा कि लड़की छोड़ के भाग गई, तो भाई हम समझते, बट डिप्रेशन मत, नहीं तुम कटे डिप्रेशन में गए हुए हो भाई, तुम सांप बने हुए हो गिले सूट लेकर भाई साहब, डसने की जगह डस रहे हो, हैं मारने की जगह मर रहे हो, अरे भाई जुदाई हुआ है एक लड़की तो थी, क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग निब्बा, भाई बंदा बहुत डिप्रेशन में था मेरे को तो लग रहा है, चलो कुछ नहीं होता। फिर हमको मिला एक और नागिन, अरे भाई ये लड़के कटे डिप्रेशन वाले कहाँ से आ रहे हैं, वो गाड़ी का नीचे आग करके कहाँ मर रहे हो, फिर बाद में बोल दो कि भाई पुलिस पे जाकर कि भाई ये तो एक्सीडेंट का केस है, इस बंदे ने जानबूझ के मार दिया, भाई खुद नीचे आया तू गाड़ी के मेरा नुबड़ा है, समझ आ रहा है, क्या करें भाई क्या करें, बड़े बड़े रैंगल में ऐसी छोटी छोटी चैनक वाली बातें होती रहती। बट मैं आर्किटेक चुड़ैल बन के भाई मेरी जिंदगी को तो अपरंपार जिंदगी मिल गई, मैं तो खुश, मैंने कहा भाई अब तो चुड़ैल भी बन चुका हूँ मैं, बचा नहीं जिंदगी में कुछ, क्योंकि भाई महंगी चुड़ैल है ये, चुड़ैल का जो रेट है ना वो मेरे कपड़ों से ज़्यादा है, अच्छा मतलब समझ रहे हो, ये चुड़ैल महंगी है मेरे से, क्या करे जिंदगी ऐसी हो गई है, थोड़े दिन बचा है बस, थोड़े दिन बाद पता नहीं क्या क्या निकाल देगा, अभी चुड़ैल तो निकाल ही दिए, एंड चुड़ैल का रेट मेरे पजामे से ज़्यादा महंगा होगा, पजामे सॉरी कपड़ों से ज़्यादा, क्या करें भाई बड़े बड़े रैंगल में ऐसी बातें हो रही हैं आजकल, रेट देखो आसमान छू रहा है आसमान, आर्किटेक्ट चुड़ैल बने फिर रहे हैं, चलो कोई ना आर्किटेक्ट चुड़ैल के साथ आर्किटेक्ट सामान भी मिल गया। अभी आखिरी बंदा भी डिप्रेशन का मरीज भाई, ये तो कतई नशे करके भारी, लाइक कहते हैं ना सड़क के बीचों बीच बैठ जाता है बंदा दारू पी के, इसका कतई वो हाल, जोन में नहीं आ रहा है, जोन के बाहर से मार रहा है गोली, हाँ तो जोन के बाहर से ना स्क्वाड वाइप कर देगा भाई मेरे, ओ मारो मुझे मारो, ओ ये मजाक हो रही है क्या, ओ ये मजाक हो रहा है, इस बंदे ने ना एकदम से जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दी, समय तो सबसे पहले बदला है, मतलब क्या करें कैब गैंग वासियों, आजकल में बड़े बड़े रैंगल में ऐसी छोटी छोटी शानक वाली बातें होती रहती हैं। बट एनीवेज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर तुमको देखना है और ज्यादा आर्कटिक स्किन तो लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमको और आर्कटिक स्किन के साथ मेरा गेम प्ले देखना है, एंड
लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, क्योंकि भाई प्यार बांटने से बढ़ता है एंड कैब गैंग बढ़ती है शेयर करने से। एंड सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पर नए हो, देखो सब्सक्राइब करो यार, देखो सब्सक्राइब गोल इज 2 मिलियन शायद से, पता नहीं। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें तो ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। पीस आउट। And I need all of you to stop what you're doing and listen.